अब बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। रूस और यूक्रेन के बीच आज युद्ध का 32वां दिन है और 32वें दिन भी लगातार भीषण जंग जारी है। एक महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, यूक्रेन जल रहा है और अभी भी युद्ध का नतीजा सामने नहीं आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पोलैंड दौरे के बाद ये जंग और भीषण रूप अख्तियार, खासकर रूस की तरफ से बैटल ग्राउंड में उतरे चेचिन लड़ाकों ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। यूक्रेन के कई शहरों में आमने सामने की जंग जारी है। लैंड इन्वेजन की तस्वीरें हमने आपको पहले ही दिखाई थी। कीव और खारकीव की बात की जाए तो इनके अलावा अब मेरियापोल शहर को भी चेचिन लड़ाकों ने पूरी तरह से घेर लिया है और यहां पर भी आमने सामने की जंग लगातार जारी है और ये भीषण रूप अख्तियार कर चुकी है। मेरियापोल में तबाही ही तबाही नजर आ रही है। अटलांटिक महासागर में रूस ने न्यूक्लियर सबमरीन तैनात कर दी है और समंदर से यूक्रेन के कई ठिकानों पर हमला भी हुआ है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो हमला हुआ है ये न्यूक्लियर हमला नहीं होगा। मारियोपोल में इमारत को घेरकर भारी फायरिंग की गई है। चेचन लड़ाकों ने रिहायशी इलाकों में यह हमला बोला है। मारियोपोल में चेचन लड़ाकों ने तबाही मचाई है और कई इमारतों को तबाह कर दिया है। हर तरफ इमारतों का मलबा बिखरा हुआ है और ये गंभीर तस्वीरें सामने आई हैं क्योंकि लैंड इन्वेजन तो पहले ही किया जा चुका है। अब जो चेचन लड़ाके हैं वो भी आमने सामने की लड़ाई रशियन फोर्सेस के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ कर रहे हैं और एक चेचन लड़ाके ने इस वीडियो को बनाया है और ये वीडियो अब आप सबके सामने, देखिए किस तरह से जबरदस्त हमला मारियोपोल में रिहायशी इलाकों में किया गया और बिल्डिंगों का हाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं। फायरिंग की जा रही है, इनके पास टैंक्स आपको नजर आ रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियां नजर आ रही हैं, मशीन गन से लगातार देखिए कैसे एक के बाद ये फायरिंग करते हुए चेचन लड़ाके जो रूस के समर्थन में यहां पहुंचे। आपको बता दें कि रूस ने 10,000 से ज्यादा चेचन लड़ाकों को युद्ध के मैदान में उतारा है जिनकी एंट्री के बाद बैटल ग्राउंड में तस्वीरें बीतते दिन के साथ बदलती हुई नजर आ रही हैं। कीव खारकीव के बाद अब इन लड़ाकों ने मेरियापोल को पूरी तरह से घेर लिया है, रिहायशी इलाकों में भारी फायरिंग ये कर रहे हैं। चेचन लड़ाके आर पार की जंग यहां लड़ रहे हैं और रूस के लिए निर्णायक भूमिका अदा कर रहे हैं चेचन लड़ाके। खारकीव में न्यूक्लियर प्लांट पर रूस का भी हमला तेज हुआ है। यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को रूस ने अपना निशाना बनाया है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ अटैक यहां पर किए गए हैं। खारकीव में अलग अलग ठिकानों पर देखिए अनगिनत रॉकेटों को दागा गया है।
तो ये तस्वीरें आपने देखी। इसी बीच चेचन लड़ाकों की एंट्री से यूक्रेन में तस्वीर बदल गई है। कई जगहों पर यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के सामने हथियार डाल दिए हैं। घातक चेचन लड़ाकों ने यूक्रेन में तबाही मचाई है और उसी तबाही की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इस तरह की यूक्रेनियन सैनिकों की सरेंडर की तस्वीर पहली बार सामने आई है। अब तक आपने जो तस्वीरें देखी थी उसमें रशियन फोर्सेस यूक्रेनियन फोर्सेस के सामने सरेंडर कर रहे थे, लेकिन इस बार जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि यूक्रेनियन फौज के कुछ जवानों ने चेचन लड़ाकों के सामने सरेंडर कर दिया है। अब हम कज़ाव है। यूक्रेन के लीव में रूसी सेना ने भारी बमबारी की है। लीव शहर के रिहायशी इलाकों में ये बम दागे गए हैं और इसको लगातार निशाना बनाया जा रहा है। लीव या कह लीजिए लवीव शहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये रिहायशी इलाका जहां जोरदार धमाका हुआ, आपको चारों तरफ बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।